भी बज रहे ऑलमोस्ट 6 बजे शाम को। गोलू का अंदर डाल दिया है और मैं दिखाती हूँ और सारे बच्चे कहाँ हैं। ये इधर कालू है और यहाँ मेरे और दो बच्चे हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए ना मैं अभी इन लोगों को बाहर में नहीं भेज रही हूँ, यहीं पे रख रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और इन लोगों का लूज मोशन हो रहा था, वॉमिटिंग हो रहा था गर्मी की वजह से। दवाई चालू है, मैं बता रही हूँ क्या क्या किया मैंने। ये दोनों इधर है और एक बच्चा तो इधर है इस खिड़की में। सबको एक जगह पे नहीं रखते क्योंकि ना ये लोग एक अभी बड़े हो रहे हैं ना, तो जगह की कमी हो रही है। यहाँ पे और एक बच्चा है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 दिन से मैं पूजा भी नहीं दे पाई, इसीलिए देखना कि ये फूल भी बाहर है। तो यहाँ पे ये है और मेरा चिंटू भी उधर है, मैं दिखाती हूँ। ये यहाँ है चिंटू, ये मेरा चिंटू बच्चा। इन लोगों को मैं नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये लोग इतना टॉयलेट करते हैं ना, तो 4 बच्चे को इतना टॉयलेट करेंगे ना घर में, और ऊपर उसाए साथ मतलब क्या ऊपर में जा जा के ये लोग के, इसलिए मैं बांध के रखी क्योंकि ये लोग ना सीधा ऊपर में जाके, हम मेरा जो घर का तो कोई अलग सीलिंग से पहले कोई डोर नहीं है कि मैं इसको क्लोज कर दूँ। मेरा घर पूरा ओपन है, बेडरूम का डोर खोलेंगे तो सीधा एकदम छत पे जा सकते हैं, तो सीढ़ी का ये पूरा ओपन है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं ऊपर में जा जा के सीढ़ी के बीच बीच में जाके टॉयलेट कर रहे हैं, वो भी पतला टॉयलेट जो कि साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए मैं इन लोगों को अभी बांध के रखी हूँ। ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं आजकल मुझे। ऊपर से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है और मतलब मैंने वेट को भी दिखाया है, इन लोगों के बारे में बात किया फ़ोन पे और उन्होंने कुछ मेडिसिन दिए, वो भी मेडिसिन मैं आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ और मैं भी खुद मेडिसिन ले रही हूँ। जो है ये इन दोनों, ये सब डॉगीज़ की, ये रैंटेक एनपीएस भी डॉगीज़ का, और ये है सारा मेरी दवाई ये सब। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी ना, ये सारी दवाइयाँ जो है ये सब मेरी दवाइयाँ हैं, ये भी मेरी दवाई है। हम सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा भी प्रॉब्लम में हैं। मैं दिखाती हूँ लोगों को मैं से कैसे मैं दवाई देती हूँ। पार्क में ले गई थी खेलने के लिए, वहां से अभी वापस आई है। मिमी केम बैक, मिजाज खराब क्यों छे?
बहन को वो सरस्वती पूजा के दिन मार डाला पड़ी डॉगीज ने, पर ये अभी तक ठीक है। आई इसको मैं रोज खाना देती हूँ, ये उसका प्लेट है, ये सिर्फ मछली खाती है, ये चावल नहीं पसंद करती। और वो दूसरे घर में भी घूम घूम के थोड़ा बहुत खाती है, इसीलिए मैं सिर्फ इसको मछली देती हूँ। और ये खाना है मेरे बाहर के डॉगीज के लिए, वो लोग आएंगे उनको भी देंगे। हो गया और देना, ये देखो मछली है ये वाला, ये इसका भाई बहन और भी है जो नारायणी का पहले का बच्चा है, वो सब भी मेरे पास यहाँ खाते हैं। ये वाला चावल 20 रुपए किलो में आता है अलग से, ये राशन में फ्री में देता है, पर ये बाज़ार में वो लोग बेचते हैं, जो लोग फ्री में, जिन लोग को BPL कार्ड है उन लोग को मिलता है, वो लोग फ्री में खरीदते हैं, मतलब सरकार देता है उन लोग को, और वो लोग 20 रुपए किलो 15 रुपए किलो ऐसे करके बाज़ार में बेचते हैं। और वही चावल ये उसी से मेरा डॉगी लोगों का खाना बनता है। हर डे ये ऐसे कुकर 3 कुकर चावल बनता है मेरे घर पर, ये वाले डॉगीज के लिए, मतलब घर में 6 और बाहर में 3, 9 डॉगीज है मेरे। इंडोर प्लांट्स है, ज़्यादा ध्यान नहीं, थोड़ी सी पानी इन लोगों को चाहिए। ये किचन में मेरा 2 प्लांट है, ये यहाँ पर एक है, इसको भी नहीं थोड़ा पानी दे देती हूँ, इसको कभी कभी धूप में भी रखना पड़ता है बीच बीच में। यहाँ पे और एक है, इसको भी थोड़ा मैं पानी दे दूँ। ये चावल चढ़ा दिया मैंने, 1, 2, 3 डॉग्स मेरा, और ये उनका खाना। एक मज़ेदार चीज़ देखिए, 2 बच्चे इसके अंदर है, निकल के दोनों अपने अपने जगह पे जाएंगे, एक का खाना इधर है दूसरे का खाना उधर है। ठीक है आप लोग देखना, मैं कुछ नहीं करने वाली। ये देखो ऐसा होता है ट्रेनिंग, मतलब अपने आप से ये लोग समझिए कि इसका खाना यहाँ पे है, उसका खाना वहाँ पर। इसको स्टील में इसलिए देते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक का बर्तन जो है ये ख़राब कर देते हैं। हाँ जल खाओ, क्यों लो। 7:30 बजे मिमी का डिनर टाइम है, मिमी को मासी खिला रही है। आज शाम को मिमी का जो खाना वाना हो गया उसके बाद हम लोग निकले थे थोड़ा, ये साइड में जो बाज़ार है। तो मैं कौन है? ये देखिए तो हम लोग गए थे थोड़ा, ये सामने का जो मार्केट है वहाँ पर बहुत कुछ खरीदना था। घोड़ी था के से मार घोड़ी तक खोला अच्छे, तो हमार मासी अखन आगे मासी जा बाबा जी ने बोलो हम अच्छी आगे मासी बाबा जा वैसे फूले अच्छे। वो पुरानी जो मासी है उसके पैर की हालत ठीक नहीं है, वही बात कर रही है। तो आज ये देखो मिमी का बैग का एक चेन खराब हो गया था, आपको याद होगा आप लोगों को, वो जो जब हम ये वो दुर्गापुर में गई थी तब से वो बैग का चेन खराब था, अभी जाके आज जाके मैंने इसको ठीक कराया ये चेन। ठीक है, और क्या क्या किया, सब्जी खरीदे है, दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, सब्जी खरीदे है अभी मैं दिखाती हूँ क्या क्या खरीदा है।
आटा लिए हैं 3 किलो का, और ये बैग का चेन खराब हो गया था, और ये मेरा जो बैग है यहाँ का भी ये जगह का ये भी फट गया था, इसको भी लगाया है। अभी मेरा खाना अच्छा आज कुछ चीज़ें मैंने ये मैंने आज जोविस का लिया है, क्योंकि ये जोविस का ये वाला मैंने यूज़ किया पहले, ये अच्छा था तो इसीलिए मैंने जोविस का ये, लेकिन ये बड़ा वाला नहीं मिला, छोटा वाला मिला तो ये लिए है। और ये वाला है क्लिनजिंग मिल्क जोविस का, और ये है टोनर, ठीक है जोविस का, और ये लैक्मी का है कॉम्पैक्ट, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो ये सारी चीज़ें मेरे स्किन रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने ली है आज। वेरी गुड। अब आप ये लिया मैंने कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच, इससे कुरकुरे होता है, थोड़ी सी नमक, इसको थोड़ा पानी डालेंगे, बैटर की तरह, थोड़ी मैं थोड़ा गैस ऑन करनी। अभी ये जो पत्ता है इसको ऐसे लंबा लंबा ऐसे पत्ता को ऐसे लेना है, ऐसे लंबा पत्ता, ठीक है इसको ऐसे करके डालना। और ये मैंने तेल दे दिया है कढ़ाई में, तो इसको अभी मैं छोड़ना छोड़ना, और भी पत्ते लेने हैं, 3 से 4 पत्ते से ज़्यादा नहीं लेने, नहीं तो ये जो है मोटा हो जाएगा इसका कोटिंग, तो इतना अच्छा नहीं लगेगा खाने में। आलू परवल की सब्ज़ी, चावल, और ये पाट साग की भाजी, ये जो मैंने अभी अभी बनाए ये है पाट साग की भाजी, और ये है दाल, और ये है मेरी चटनी, और ये चावल एक्स्ट्रा चावल। अभी मैं शुरू करती हूँ, ये भाजी बहुत ही बढ़िया टेस्टी है, जो लोग आप लोग पाट साग खाते हो उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि ऐसे करके भाजी बना के कभी खा के देखो, एकदम मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल कुरकुरे ही है, देखो आवाज़ सुनाई दे रहा, बहुत ही बढ़िया होता है ये वाला भाजी, और दाल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। मेरा टीवी चल रहा है, मैं टीवी देखते देखते खाना खा रही हूँ।
मैं सोने जा रही हूँ, मिमी ऑलरेडी सो चुकी है, तो अभी हम लोग अभी मैं सोने जा रही हूँ। सो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।